कोरोना संकट के दौरान हिमाचल में पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव समय पर होंगे। हमीरपुर पहुंची शहरी विकास नगर नियोजन आवासीय मामले मंत्री सरवीण चौधरी ने इस बात का खुलासा किया है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान सरवीण चौधरी ने कहा कि पहले सरकार के द्वारा पंचायती राज चुनावों को आगे बढ़ाने के लिए सोचा जा रहा था, लेकिन अब तय किया गया है कि पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव 23 मई पर ही संपन्न किए जाएंगे। मेरे ख्याल से समय पे ही होंगे। हम भी सोच रहे थे इसको थोड़ा आगे ले जाएं। हम सबका ऐसा था, लेकिन ये शेड्यूल है और मुझे लगता है शेड्यूल टाइम पे ही होगा। लॉकडाउन के बाद प्रदेश में विकास कार्य को किस तरह से किया जाए और विभागों में बचे हुए फंड का इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसी के मद्देनजर हमीरपुर में आयोजित बैठक में शहरी विकास नगर नियोजन आवासीय मामले मंत्री सरवीण चौधरी ने शिरकत कर अधिकारियों के साथ आगामी रणनीति तैयार की है। मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि विभिन्न विभागों से डाटा लेकर आगामी दिनों में कहां पर पैसों का इस्तेमाल किया जा सकेगा, इसके लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मंत्रणा करने के बाद खर्च किया जाएगा। है जो पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में, देश में, प्रदेश में जो है और हमारे जिले में ये कंसर्न जो महामारी कोविड के तहत जो सारा लॉकडाउन की स्थिति में काम बंद हुए थे और अभी अभी अनलॉक हो रहा है, धीरे धीरे विकास शुरू हो रहा है और मुख्यमंत्री जी के आदेशों के अनुसार 2001 से 2020 तक कुछ विभागों के पास ऐसे पैसे होते हैं जो अनस्पेंड होते हैं, जो आगे भी स्पेंड नहीं हो सकते हैं। तो ऐसों की हमें डिटेल लेनी थी और जो काम ऑनगोइंग है उसकी प्रोग्रेस और जो आने वाले दिनों में पूरे हो रहे हैं उनको कैसे जल्दी पूरा करना है। तो इसी के तहत जो है लगभग अभी कुछ बड़े डिपार्टमेंट्स जो है उसमें 150 करोड़ के आसपास तो अनस्पेंड पैसा पड़ा है, क्योंकि आपको ध्यान में है कि हमारे यहाँ पर लोगों ने बहुत सारा फंड तो कोविड में स्वेच्छा से भी दिया, ज़रूरत भी थी, और जिस तरह से वेंटिलेटर, पीपी किट या बाकी प्रबंध किए हैं उसमें एक तो समाज सेवियों का बहुत योगदान रहा, उसके साथ सरकार को जो करना था ये पैसा जो है विकास में हमें किस दिशा में लगाना है, जो ऐसे ही पड़ा है 150 करोड़ पे अनस्पेंड पैसा, ये मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाएंगे, जैसे वो दिशा निर्देश देंगे उसी विभाग में खर्च करना है, कोई प्रोजेक्ट है उसमें या किसी और विभाग में कोई प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है उसको पूरा करना है, तो उसके तहत इसका पूरा डाटा अलग अलग विभागों से लिया है और मैंने सभी अधिकारियों को भी अप्रिशिएट किया है जिन्होंने कोरोना के इस संकट में प्रदेश का सहयोग दिया, इसलिए प्रदेश बचा भी है हमारा और उसी के तहत जो है मुख्यमंत्री जी के आदेशों का पालन जो है हम सब कर रहे हैं। कोरोना संकट के दौरान शहरों में लोगों को बिजली बिल में बेतहाशा बढ़ोतरी पर मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि 3-3 महीनों का बिल इकट्ठे आया है और लोगों ने बिजली खर्च की है तो बिल भी वैसे ही आएगा। उन्होंने कहा जो लोग कम बिजली इस्तेमाल करते हैं उन्हें कम बिल आता है, इसलिए लोगों को बिजली का बिल भरना ही पड़ेगा। देखिए मेरा भी आप बोलोगे मेरा बिल 22,000 आया तो मैं भी चौंकी कि 22 कैसे आया, उसका कारण ये था वो 4 महीने का बिल था मेरा, आई कांट रन आउट ऑफ दैट। और ये तो मुझे लगता है कोई ऐसा बड़ा नहीं है, कुछ नॉर्मल रूटीन में गर्मी है, गर्मी में पंखे भी चलते हैं, सर्दी में हीटर चलते हैं, तो ये चला रहता है जिसकी पेइंग कैपेसिटी जितनी है। और जो स्लैब्स बने हैं और देश में जो 1.55 रुपये वाला स्लैब है जो लोग कम बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको कम बिल आता है, और जैसे जैसे बिजली ज्यादा यूज करते हैं उसके अनुरूप उसका जो बिल है वो बढ़ता जाता है। मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि बीजेपी पार्टी में सब कुछ ठीक चला हुआ है और बड़े परिवार में बहुत सारी बातें होती हैं, इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष के लिए चर्चाओं के दौर पर मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि चर्चाएं चलती रहती हैं और पॉलिटिकल लोगों की चर्चाएं चलती रहे तो अच्छा रहता है। ऐसे है था, ये तो डेमोक्रेसी है, ये तो जीवित समाज की एक कल्पना है, जिसको अच्छा लगता है वो अपनी बात रख सकता है विद इन पार्टी भी, किसी फ्लोर के ऊपर भी। और जब बड़ा परिवार होता है ना तो बड़े परिवार के बीच में बड़े सारे बातें, बहुत सारे प्यार होते हैं, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, ये चर्चें चलती रहती है। पॉलिटिकल लोगों की चर्चें चले तो अच्छी रहती है, कभी कुछ चर्चा चलती है, कभी कुछ, कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव भी हो जाता है। अगर कोई अनसर्सिली कुछ लिख दे तो हम आप जैसे पत्रकारों को पूछते हैं भाई इसका बताओ हमें, मैं बढ़िया हूँ, बाकी तो हमारे ऊपर बहुत सारे सीनियर्स हैं जो पार्टी में, जिनको लगता है किसको कहाँ रखना उचित है वो उसके अनुरूप सोचते हैं।